Contract Abbas. Imran Muhammad. Imran Khan. Kaun bachayega Pakistan? चौदह अगस्त है और आज से 77 साल पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद हमने ये समझा कि हम आज़ाद हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम सारे पार्लियामेंटेरियन खड़े हैं और पंजाब असेंबली जहाँ से हमारा एक प्रोग्राम बना कि हमने एक रैली निकालनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। क्या हम दहशत गर्द हैं? ये आप पुलिस देखें, ये आप देखें कि किस तरह इधर इन्होंने आसपास पुलिस की गाड़ियां लगा के हमें ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम दहशत गर्द हैं कि हमें एक आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी है और इस जश्न आज़ादी के दिन हमें असेंबली के अंदर नाके लगा के इन्होंने कहा जी आप 10 12 20 पार्लियामेंटेरियन जा सकते हैं, आपके साथ और कोई बंदा नहीं जा सकता। तो मैं ये चचा भतीजी के जो टिकटॉकर कमेंट है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जितने हम पार्लियामेंटेरियन खड़े हैं इनमें से आपको क्या लगता है कि ये हम दहशत गर्द हैं? और हम एक पुरमन रैली निकालनी है, हमने एक जिस तरह पूरे पाकिस्तान में शहरी रैलियाँ निकाल रहे हैं हमने उसी तरह रैली निकालनी है, लेकिन हम गुलामी नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल ये नहीं मानेंगे कि आप हमें दबाएं। हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे हैं। आप मैं मीडिया को दावत देता हूं कि हमारे हम जितने लोग हम ये खड़े हैं हमारे से ज़्यादा पुलिस है, और आप खुद देख लें कि अपोजिशन लीडर खड़े हैं, हमारे MPs खड़े हैं, और ये हाल है इस मुल्क का। और आज जश्न आज़ादी है, आज हम अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं और रात को इन्होंने हमारे पूरे पंजाब में पर्चे दिए हैं। मैं इस मरियम नवाज को ये कहना चाहता हूँ, इस टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को ये कहना चाहता हूँ कि तुम शीशे के घर में बैठी हो बीबी, ये तुम क्या कर रही हो? अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ जब ये सलूक है तो आम आदमी के साथ क्या सलूक होगा? हम पुरमन लोग हैं, आप मीडिया को मैं दावत देता हूँ कि आप हमारे साथ रहें, हमने रैलियाँ निकालनी हैं, आज हम अपना जश्न सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये जितने पुलिस वाले हमारे अजीज हैं ये आए हैं कि हमको दहशत गर्द करने, हमने इधर को बम ब्लास्ट करने हैं। ये हाल है इसका। इस वक्त जितनियां नफरियां मंगवाएं, हमें पकड़ के ले जाएं, हम इमरान खान की कार से पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। हम अपने खान के साथ खड़े हैं, हम अपने खान के साथ खड़े हैं और आखिर दम तक खड़े रहेंगे। ये जो हमारे साथ जबर जुल्म कर रहे हैं ये करते रहे, हम सीसा पलाइयों दीवार की तरह खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त को हम अपनी रैली निकालेंगे और हम निकाल रहे हैं। थैंक यू। मलिक साहब ये बताइएगा कि सुबह पंजाब असेंबली में तकरीब होती है, यकीन नहीं था कि आप भी वहां जाते हैं स्पीकर साहब के साथ, आप भी परचम कुशाई में शिरकत करते, ये तो अच्छा हो जाता, अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन मुझे उधर बुलाया ही किसी ने नहीं, मुझे नहीं बुलाया गया, अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता, परचम कुशाई थी। हमारा हाल तो ये है कि हमें असेंबली के अंदर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा, हमें कहते हैं जी आप 10 12 बंदे जो MPs हैं 20 बंदे हैं आप जाएं, बाकी कोई बंदा आपके साथ नहीं जा सकता। तो ये कहाँ का असूल है? ये हम दहशत गर्द हैं? बल्कि मैं अपने पुलिस वाले सब अजीजों को कहूँगा कि आप ये जो आज आप कर रहे हैं इसका मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? आपने हमने पकड़ने आए, हम आपको गिरफ्तारियाँ देते हैं, आप बेशक आए, आप आए और आप इसको
आप इनको हमें ले के जाएं, हमें बंद कर दें, लेकिन हमने एक काज के साथ जाना है और हमने इस काज को मुकम्मल तौर पे मुकम्मल करना है और हम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान ने हमें पुरमन रैली की इजाज़त दी है और हमें हुक्म दिया है कि आप पुरमन रैली निकालें। देखिए, मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि कानून को हमने हाथ में नहीं लेना, हमारी पुरमन रैली है और अगर हमारे साथ ये छेड़छाड़ करेंगे तो हम भरपूर मुजामत करेंगे। सर ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपके जो हकूक है वो सलब किए जा रहे हैं, गुज़श्ता रात भी आपके कारकुनों को बाहर नहीं निकलने दिए गए बल्कि उनका तशद्दुद किया गया है, कोर्ट में जाने का इरादा रखते हैं आप अपने हकूक के वाले से? डेफिनेटली हम कोर्ट में भी जाएंगे जी। आप खुद देख लें कि इस वक्त ये क्या कर रहे हैं। ये ऐसे नवाज साहब पे FIR हुई है, सारे हमारे 45 के जो मेंबर्स हैं खवातीन पे FIR हुई हैं, तो ये किस तरह की जश्न आज़ादी है जी? ये जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं? खुदा का नाम लें, ये क्या हो रहा है? आज के एक दिन पाकिस्तान ये इतने डरे हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकलने से ये इतने खौफज़दा हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनमें हया नहीं है इस हुकूमत में, ये चचा भतीजी की टिकटॉकर हुकूमत है, इनको शर्म करनी चाहिए। हम इधर खड़े हैं, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, हम इधर खड़े हैं, हमने आज अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करना है और हमने अपनी रैली भी निकालनी है। हमारा पुरमन एहतजाज है और हम पुरमन रैली निकाल रहे हैं और पुरमन तौर पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भाई मोबाइल नीचे, अच्छा ये हम तो अभी इधर से निकल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। जो रास्ता मिलेगा वो तो 14 अगस्त की रैली है। आप मुलाकात रास्ता दोगे ना? असेंबली नहीं जाते नहीं।